हेलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है लर्निंग हिंदी विद अभिनय देशमुख तो आज हम पढ़ने वाले हिंदी चलो भारतीय छठी कक्षा का पाठ नंबर सोलह पांचवी कक्षा का पार्ट नंबर सोलह बचाओ ये पाठ इकाई दो में कहा कि चले हम पाठ पढ़ना शुरुआत करते हैं तो हमने पार्ट नंबर सोलह बचा हुआ खोल दिया है पढ़ो समझो और आपस में श्रुत लेखन करो तो देखिए हमें क्या करना है तो इसे पढ़ना है समझना है और फिर क्या करना है श्रुत लेखन करना है मतलब हमें लोग दूसरों को बताना है ये परिस्थिति हमें दी गई है और इस परिस्थिति में हमें कैसा करना चाहिए और क्या नहीं बनाना चाहिए यह हमें बताया गया है चले ये परिस्थिति क्या है और हमें कैसा कैसा वर्ताव करना चाहिए यह हम देखते हैं तो भूकंप तो देखिए भूकंप यानी जब जो जमीन है वो बहुत ज़्यादा तप जाती है अंदर से तो तभी भूकंप हो जाता है तो देखिए भूकंप पर पृथ्वी के भीतर चट्टानों की परतों के आगे पीछे खिसक से धरती हिलने लगती है तो देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था वैसे ही जो पृथ्वी के भीतर मतलब पृथ्वी के अंदर जो चट्टाने रहती है वो चट्टानों ता, के पर परतों के वो आगे क्या होती है मतलब आगे पीछे होते हैं जो उनकी लेयर होते, होते हैं वो क्या होती है आगे पीछे होती है इसीलिए क्या होती है तो धरती हिलने लगती है और यही भूकंप है और इसे क्या कहा जाता है तो भूकंप कहा जाता है इससे छत दीवार आदि गिरने लगती है ऐसे समय हमें तुरंत घर के बाहर खुली जगह में जाना चाहिए या मेज लकड़ी के तख्त के नीचे दरवाजे के पीछे छिप जाना चाहिए तो देखिए तो जब ऐसे ऐसी स्थिति आती है तो क्या होता है जो दीवारें रहती है जो जो दीवारें रहती है जो छत रहती है वो क्या गिरने लगते हैं तो हमें जब भूकंप हमारे परिसर में हो या फिर हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे होगा तो हमें क्या करना है तो सबसे पहले अगर हमें मौका मिलता है तो हमें खुली जगह जाना है अगर हमें मौका नहीं मिलता तो हम सोफे के नीचे के बेड के नीचे या फिर टेबल के नीचे या फिर जो ये रहते हैं दरवाजे उनके पीछे हम छुप जाना है क्योंकि अगर छत गिर लगी तो नीचे गिरेगा और वो हमारे सर पे या फिर कौन से भी शरीर, शरीर पे पर गिर सकता है और इससे हमें हानि हो सकती है इसलिए हमें कॉट सोफ़ा इसके नीचे छुप जाना चाहिए बाढ़ लगातार अधिक बारिश होने पर नदी नाले पानी से भरकर बहने लगते हैं नदी के आस पास के गाँवों बस्तियों इमारती आदि में पानी भरने भरने लगता है फसलें नष्ट हो जाती है यह यह यही भाड़ है तो देखिए जब भाड़ किसे कहते हैं तो देखिए जब लगातार बारिश होती है मतलब बहुत मतलब बहुत बारिश होती है वहाँ पे क्या होता तो पानी सासने लगता है और वो पानी क्या होता है तो इमारत में घुस जाता है घर में घुस जाता है और क्या होता है जो फसलें रहती है खेत में लगाई हुई वो सारे फसलें भी क्या हो जाती है तो नष्ट हो जाती है क्योंकि बारिश इतनी रहती है कि सारे फसलें नीचे गिर जाती है तो इसे हम क्या बोलते हैं बाढ़ ऐसा बोलते हैं पानी के बढ़ने की सूचना प्राप्त होते ही हमें सुरक्षित स्थान पर पहुँच देना चाहिए अगर हम उस परिसर में रह रहे जहाँ पर बारिश बहुत गिर रही है जब भी जब भी कोई न्यूज वो सब आए तो हमें क्या करना है तो सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाना है मतलब जो सुरक्षित स्थान है वो उस पर हमें क्या करना है तो पहुंच जाना है सुनामी समुद्र के तल में भूकंप आने पर ऊंची ऊंची लहरें उत्पन्न होती है यही सुनामी है तो देखिए जब भूकंप आता है तो क्या होता है तो सब सा, 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 सारा हिलने लगता है दर जब हिलता है तो तभी पानी में मतलब समुद्र यहाँ पे क्या होता है तो ऊंची ऊंची लहरें ये होती है उत्तीर्ण होती है और इसे हम क्या कहते हैं तो सुनामी ऐसा कहते हैं सुनामी की सूचना मिलते ही तटवर्ती प्रदेश में रहने वाले लोगों को तुरंत ही सुरक्षित स्थानों पर चले जाना चाहिए जब जो लोग तट तटवस्ती स्थानों पर रहते हैं उन लोगों को क्या करना है तो सूचना मिलने पर ही सुरक्षित जगह पर रहना चाहिए हमें समुद्र तट को पाटकर बस्तियां नहीं बनानी चाहिए सुनामी की पूर्व सूचना देने वाले यंत्र आजकल विकसित हो रहे हैं तो देखिए समुद्र के थोड़े ही बाजू में हमें हमारा कभी भी घर नहीं बसना चाहिए क्योंकि जब पानी की पातरी मतलब जो पानी की पातरी है जब वो बढ़ेगी या फिर जब भी पानी बढ़ेगा तो तभी वो हमारे पानी घर में घुसेगा इसलिए तो हमें जरा दर, दूर घर बनाना चाहिए और आजकल जो सुनामी सुनामी के पूर्व सूचना मतलब सुनामी आने की पूर्व सूचना के, के यंत्र अभी भी आज विकसित हो रहे है ऐसा हमें बताया गया है तो देखिए अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करे शेयर करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें धन्यवाद